हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं हमारे वेल स्प्रेड मेडिकल फील्ड के बारे में। जो बच्चे मेडिकल फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं, वो किसी वजह से एमबीबीएस नहीं कर पाते हैं या डॉक्टर नहीं बन पाते हैं, तो उनका सपना अधूरा रह जाता है। तो लेकिन हम चाहते हैं कि उनका ये सपना जो है वो बिल्कुल भी अधूरा ना रहे, क्योंकि मेडिकल फील्ड में सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं एक टॉपिक है कि आपको एमबीबीएस ही करना है या डॉक्टर ही बनना है। उसके अलावा चलने वाले 4 कोर्सों इसके बारे में बच्चों को पता ही नहीं होता है, और पता होता है तब तक उनके लिए काफ़ी देर हो जाती है। इसलिए हम बात करेंगे आज अपने RUHS द्वारा करवाए जाने वाले एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जो आपके लिए लेकर आता है 4 अलग अलग प्रकार के कोर्सेज, और उनके थ्रू वो आपके लिए मेडिकल लाइफ में एक बहुत ही सुनहरा भविष्य का निर्माण करता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की, जिसका एंट्रेंस एग्जाम RUHS करवाता है। अब बीएससी नर्सिंग गर्ल्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा गोल्डन चांसेस होता है, बहुत ही अच्छा चांस है, क्योंकि एम्स ने 80% रिजर्वेशन जो है वो गर्ल्स के लिए कर दिया है। और अगर बात करें बाकी सारे प्राइवेट फील्ड में या जो भी अपने कितने भी कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर नर्सिंग ऑफिसर्स उसका हार्ट माना जाता है। नर्सिंग ऑफिसर अगर ना हो तो हॉस्पिटल का 80% काम होगा ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स जो है वो कंप्लीट डॉक्टर बनता है पैरामेडिकल हेल्प, पैरामेडिकल के जो लोग हैं, पीपल हैं, वर्कर्स हैं, उनके हेल्प से और नर्सिंग ऑफिसर्स की हेल्प से। आप सोचोगे कि ये पैरामेडिकल बीच में कहाँ आ गए, पैरामेडिकल का क्या लेना देना है इससे? तो पैरामेडिकल का लेना देना है, बल्कि सब कुछ शुरू ही पैरामेडिकल से होता है। विदाउट एनी डायग्नोस डॉक्टर आपको नहीं बता सकता कि आपको क्या बीमारी है और क्या बीमारी नहीं है। और उसके ट्रीटमेंट के लिए जब हम जाने जाते हैं तो हमें कहाँ जाना होता है, फार्मेसी के पास में। अगर आपको ट्रीटमेंट करवानी है तो आपको फार्मासिस्ट बनना ही पड़ेगा, या आपको किसी का ट्रीटमेंट करना है। तो RUHS ने आपके सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत ही शानदार सा एंट्रेंस एग्जाम निकाला हुआ है, जो हर साल आयोजित होता है। अब बच्चे उसमें एडमिशन लेते हैं, कैसे लेते हैं, आधे से ज्यादा बच्चों को पता ही नहीं है कि एडमिशन लेना कैसे है। इसके फॉर्म आते हैं, आप फॉर्म फिल करेंगे। अब फॉर्म फिल करने के बाद में तैयारी कहाँ से करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों का, क्योंकि जयपुर के अंदर या राजस्थान के अंदर हेल्थ पैरामेडिकल की कोई क्लासेस ही नहीं है। इसलिए हमारा हेल्थ पैरामेडिकल क्लासेस आपके लिए एक शानदार कोर्स लेकर आ रहा है, जिसके अंदर RUHS एंट्रेंस की और जितने भी एंट्रेंसेस हैं सबकी बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है, वो भी बेहतरीन टीचर्स के साथ। अब आपको सोचना ये है कि आपको अपनी जो अपना जो भविष्य है वो मेडिकल साइंस के अंदर बनाना है और अपने सपने को लेके आगे बढ़ना है, या फिर कोई भी नॉर्मल सा कोर्स करके घर बैठ के सालों अपने आप को घिसना है, कंपटीशन की तैयारी करनी है, करोड़ों के अंदर कंपटीशन देना है। मेडिकल फील्ड एक ऐसा फील्ड है, या फिर आप कह सकते हो मेडिकल फील्ड के जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो, पैरामेडिकल साइंस हो, या नर्सिंग हो, या फिर फार्मासिस्ट हो, जिनके अंदर ना के बराबर कॉम्पिटिशन है। अब ना के बराबर कॉम्पिटिशन आपको चाहिए या करोड़ों का कॉम्पिटिशन चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ जो है वो एक मेडिकल स्टूडेंट की तरह गुजरे, एक शानदार से कॉलेज के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर गुजरे, तो आप आज ही एंट्रेंस की तैयारी में लग जाइए और हमारे साथ आप अपने एंट्रेंस की तैयारी कीजिए हेलिक्स पैरामेडिकल क्लासेस के साथ में। स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे, आप हमें इन पर कॉल करके हमारे जो भी आपकी इंक्वायरी है वो कर सकते हैं, और हमारे इंस्टीट्यूट में आकर आप पता कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमसे मिलते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।